मी 11X, पोको F3 और रेडमी के 40 के लिए अभी फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है चेरिस OS 5.1 का। लास्ट रिव्यू 5.0 का जो फर्स्ट था उसका मैं रिव्यू कर रखा हूँ, कंप्लीट रिव्यू। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बाकी 5.1 में 5.0 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए उनके बारे में बताऊँगा। और जैसे कि अभी फ़िलहाल ये जो है एंड्रॉयड 14 QPR 1 के साथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट बिल्ड है। तो देखते हैं यहाँ पर आखिर चेंजेस हमें क्या कुछ मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि चेरिस OS 5.1 का यह ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है QPR 1 के साथ, एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है 5 दिसंबर 2023 के मिलता है। कर्नल सेम है, सेम वर्जन के साथ है। एंड QoS पैनल में वैसे नॉर्मल एनिमेशन में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एनिमेशन अच्छा मिल जा रहा है। टाइल्स इसके अंदर में हमें कोई भी न्यू नहीं मिलते, जो टाइल्स पहले थे वही सेम देखने को मिल जा रहे हैं। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ज़रूर यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा लैग करता है, खासकर ऐप ओपनिंग के टाइम पर, तो इन सब जगह पर थोड़ा लैग है अभी भी इसके अंदर में। इसमें कोई भी ऐसा फिक्स देखने को हमें नहीं मिलता, तो ये भी अभी भी जो है थोड़ा लैग कर रहा है। बाकी रिसेंट आपका सेम है, यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं रहने वाला है। अब बात करें वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल भी सेम ही रहेगा। ऐप ओपनिंग, नॉर्मल जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है वो आपको काफ़ी स्मूथ मिलता है और फास्ट ऐप ओपनिंग है, तो उसको लेकर के ऐसा कोई दिक्कत फिलहाल हमें नहीं मिलता इसके अंदर में। अब अगर बात करें कैमरे को लेकर के, तो कैमरा वही लाइका का ही देखने को मिलता है इसके अंदर इनबिल्ड, जो कि 4.5 वर्जन के साथ में आता है, तो अच्छे से काम करे। जी कैम आप मैनुअली इंस्टॉल कर लेना। बाकी वाइड वन L1 की सपोर्ट का यहाँ पे वो मिल जाएगा, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। गूगल फोटो, इस पर भी हमें अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि पहले जो है कोई भी साउंड इफेक्ट ऐसे तो नहीं, लेकिन वाइपर इफेक्ट मिला करता था, लेकिन अभी आपको कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं मिलेगा, वाइपर इफेक्ट रिमूव कर दिया गया इस अपडेट में। एंड यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर है सर्टिफाइड आता है, सेफ्टी नेट बिल्कुल पास आएगा इसके अंदर। एंड वॉल पेपर स्टाइल के अंदर जाओगे तो सेटिंग में चेंजेस यहाँ पे नहीं है, बट वॉल पेपर जो यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। लॉकसिन के अंदर कलर को लेके इशू था, क्रश कर जाता था, बट अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, अभी फिक्स हो गया है। मोर लॉकसिन के अंदर में यहाँ पे क्या है कि पहले डबल लाइन क्लॉक के नाम से था ये, लेकिन अभी डायनेमिक क्लॉक कर दिया गया है, तो बस नेम चेंज हुआ है। बाकी लॉन्चर आपको पिक्सल का ही मिलेगा। एंड इसके अंदर कॉलिंग में आपको कैरियर वीडियो कॉल का बग मिलता है अभी भी। एंड वाईफाई कॉलिंग काम कर अच्छे तरीके से। बाकी हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये भी अच्छे से काम कर रहा है। और कॉल रिकॉर्डिंग में अलर्ट अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ब्लूटूथ डिवाइस जो है हमारा मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बैटरी में देखें तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 92% मिला है, पिछले में भी सेम ही था, तो बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार जो है बैटरी यूजेस जो है यहाँ पे ऐड नहीं हुआ था, उस टाइम बैटरी जो डैशबोर्ड है गूगल डिजिटल वेलबिंग का उसमें भी ऐड नहीं हुआ था, तो अभी तक भी उसमें ऐड नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। बाकी चार्जिंग देखें तो 70% चार्ज करने में 57 मिनट का टाइम लगा है। और यहाँ पे एंटूटू स्कोर देखें तो 8,81,000 देखने को मिला, पिछले में 8,86,000 था, तो सिमिलर है। CPU थ्रॉलेट यहाँ पे हमें 94% मिला और जिप स्कोर मैक्स पे 2,25,000 है, एवरेज स्कोर 2,18,000 है। पिछले में CPU थ्रॉलेट 87% था, पिछले का जिप स्कोर मैक्स पे 2,77,000 था, एवरेज स्कोर 2,51,000 पिछले में देखने को मिला था। गीगबेंच स्कोर यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर हमें सिंगल में 1,278 मिला है और मल्टी के अंदर 3,349, पिछले में सिंगल स्कोर 1,301 था, मल्टी स्कोर में 3,375 देखने को पिछले बिल्ड के अंदर हमें मिला था। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आते हैं, तो सेटिंग्स के अंदर में आपको यहाँ पे बैटरी के अंदर में थोड़ा चेंज सा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कुछ सेटिंग्स में टिप्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टिप्स जो मिलता है यहाँ पे ये चीज़ दिया गया, बट ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी ऑप्शन क्लिक करो कुछ काम नहीं कर रहा, बट अदर इशू में जाओगे तो ये आपको देखने को यहाँ पे थोड़ा हेल्प वेल्प के लिए जो है ये मिल जाता है। तो ये एक तरीके से टिप जो है यहाँ पे ऐड किया जा रहा है सेटिंग्स के अंदर में, बट यहाँ पे अभी देखोगे तो कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। और यहाँ पे फिर हम सिस्टम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा नेविगेशन मोड है ये भी बिल्कुल सेम सेटिंग्स के साथ आता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और जेस्चर के अंदर भी आते हो तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है। डेवलपर ऑप्शन की अगर बात करें तो डेवलपर ऑप्शन में पहले भी हाइड नॉच नहीं मिल रहा था और अभी भी इसके अंदर नहीं मिलता, हालाँकि हमें डिस्प्ले कटआउट का ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, तो अभी नहीं है। चेरिस सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार में आते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक जो मॉनिटर इसका, इसमें थोड़ा चेंज हुआ, अभी ऑटो हाइड किस तरीके से है और मेजरिंग का दे दिया गया, पहले ये चीज़ नहीं था। और बैटरी आइकन स्टाइल ही आपके पहले वाले मिलेंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। और बाहर भी अगर आप आते हो तो यहाँ पर जो है आपका पूरा सेम रहेगा। क्विक सेटिंग के अंदर पहले आपको क्लॉक फॉन्ट साइज़ का था और डेट का ऑप्शन ऊपर था, वो रिमूव कर दिया गया है।
और यहीं पे जो है आपको हेडर इमेज का मिलता था, 75 हेडर इमेज उसमें मिलती थी, बट अभी वो रिमूव कर दिया गया है और नीचे कोई चेंज नहीं है। थीम्स देखें तो थीम्स में भी QS पैनल स्टाइल या बाकी के जो ऑप्शन हैं यहाँ पे पहले वाले हैं, इनमें भी कोई चेंजेस हमें नहीं मिलता। वॉल्यूम पैनल स्टाइल भी सेम पहले वाला ही है। और बाहर में यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर थीम के अंदर थोड़ा सा आपको बता दूँ कि विविड कलर जो है ये एक ऑप्शन आपको न्यू मिल जाता है। थीम्स के अंदर सिर्फ यही चेंज हुआ है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। बटन में कोई चेंज नहीं है, एनिमेशन अभी भी खाली रहता है। लॉकिंग के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। पावर मेन्यू भी अगर हम बात करें तो सेम है। नोटिफिकेशन के अंदर भी अगर हम देखें तो कोई चेंज नहीं है। और जो हमारा मिसलेनियस है ये भी बिल्कुल सेम ही है, तो इनमें किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आते हो तो यहाँ पे सिम के अंदर में आपको वाईफाई, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती पहले की तरह सेटिंग्स, बट यहाँ पे भी आपको टिप्स देखोगे तो मिल जाएगा नीचे में, तो यहाँ पे भी दिया गया है। हालांकि यहाँ वाला थोड़ा आपको यहाँ पे दे देता है ऑप्शंस इस तरीके के कि जो चीज़ आपको ढूंढना है, यहाँ पे रीसेट योर कनेक्शन, ये सब चीज़ों का टिप्स इस तरीके से आपको मिल जाता है, तो यहाँ वाला वर्किंग है। बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। कास्ट वर्किंग है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अब जो है गेम स्पेस ऐड कर दिया गया। गेम स्पेस 5.0 में नहीं था, बट अभी फाइनली गेम स्पेस को भी ऐड किया गया इस अपडेट के अंदर में। बाकी असिस्टेंट वर्किंग है एंड यहाँ पे आपका क्लोन्ड ऐप है जो कि वर्किंग है। कभी कभी नो ऐप शो करे तो बैक करके वापस आना, ये शो करेगा और काम करता है। लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर ही हमें इसके अंदर इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फिर आपका बैटरी ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर में हमें जो है चेंजेस फिलहाल नहीं मिलता है। बाकी नीचे क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है ये न्यू मिल जाता है और इसके अंदर जैसे कि कोई साउंड इफेक्ट अब नहीं है। डिस्प्ले के अंदर आते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो है नाइट लाइट टाइप डिस्प्ले सब वर्किंग मिलेगा। रोटेशन मोड जो नॉर्मल था वही रहेगा। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर एक्सीडेंटल बैकअप और जो यहाँ पर अलाउ विंडो लेवल ब्लर है, पहले दो दो थे इसके अंदर, वो अब हटा दिया गया, तब सिंगल ही मिलेंगे, नहीं तो पहले दो दो देखने को मिलते थे पहले की सेटिंग में पिछले अपडेट में। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर आपका सेटिंग सेम रहने वाला है और यहाँ पर जो है ये हमें जो है सेटिंग्स देखोगे तो सेम मिल जाता है। बाकी फेस अनलॉक के लिए जैसे कि आपको पहले बताया हूँ कि फेस अनलॉक फर्स्ट टाइम जब ऐड करो तो एक बार डिवाइस रिबूट कर लेना ताकि अच्छे से काम करे। बाकी रोम इनक्रिप्टेड ही आता है, मैं डिक्रिप्ट करके यूज कर रहा हूँ और हमारा फिंगरप्रिंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर में। फेस अनलॉक भी वैसे अच्छे तरीके से वर्किंग है इसके अंदर में। बस जो आपको बताया एक बार फर्स्ट टाइम जब ऐड करना तो डिवाइस रिस्टार्ट कर लेना, उसके बाद ही आपका फेस अनलॉक काम करेगा। फिर यहाँ पे डिजिटल वॉल्यूम आप देख सकते हो, इस बार कल से अभी तक कुछ भी ऐड हुआ ही नहीं इसके अंदर में, जो जो यूज़ किया कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जीरो के जीरो ही है ये। बैटरी जिसमें भी काफ़ी लेट थोड़ा जो ऐड हुआ था बट यहाँ पर तो ऐड ही नहीं हुआ अभी तक, तो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम ले रही है ऐड होने में। बाकी फिर अबाउट फोन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बैटरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसमें भी आप देखोगे तो 1 जनवरी 1st day of use अगर देखोगे तो 1970 दिखा रहा है। बाकी साइकिल काउंट हो ही नहीं रहा है, तो ये भी मेरे हिसाब से अभी काम नहीं कर रहा, अभी फ़िलहाल उतना यूज़फुल नहीं है यहाँ पे। और अब बात करें यहाँ पे गेम स्पेस की, तो ऐड हो गया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। मोड, एफपीएस इन्फो, स्टे बैक, नोटिफिकेशन ब्लॉक के लिए रैम यूजर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ग्राफिक के अंदर सेम ग्राफिक जो पहले था वही रहेगा। अल्ट्रा जी तक अनलॉक है और स्मूथ पे एक्सट्रीम तक मिलता है, 90 FPS का ऑप्शन हमें नहीं मिलता। हाँ, गेमिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो है आपको जैसे पहले था उसी तरीके से मिलेगा। गेमिंग में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला है, बट हाँ एनिमेशन में हल्के फुल्के इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अभी भी जो है लैग है, थोड़ा सा लैग करता है खासकर ऐप ओपनिंग के टाइम पे, तो चीज़ है। बट परफॉर्मेंस में अभी भी आपको ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला, तो परफॉर्मेंस पहले भी आपको बताता है ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसी तरीके से अभी भी है, यानी कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नहीं है, ठीक ठाक है, बट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं रहने वाला जैसे कि एंड्रॉयड 13 में आपको देखने को मिल जाता है, बट अभी उस तरीके का नहीं है। तो यही सारे चेंजेस थे जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और ये एंड्रॉयड 14 QPR 1 के साथ जैसे कि अभी फिलहाल मिल रहा और CherryOS 5.1 का ये बिल्ड था। फिलहाल इतने चेंजेस इस अपडेट में हुए हैं, आगे जो भी होंगे आगे की वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।